को लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक इंटरव्यू में अपना जवाब रखा, अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी तकलीफ भी बयां की कि कोई भी शायद ही चाहे कि फ्लॉप फिल्में दें। हाँ, कहीं ना कहीं दिल में होता है कि हिट देकर लोगों के बीच ज़्यादा नाम कमाया जाए, लेकिन ये भी सच है कि फ्लॉप फिल्म होने पर, फिल्म के फ्लॉप होने पर सिक्योरिटीज बनी ही रहती है, इनसिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि वो अंत नहीं है। पहली फिल्म जब उनकी फ्लॉप हुई तो उन्हें इस बात का दुख नहीं था, ना तो वो बहुत ज़्यादा शैटर्ड थी और ना ही ज़्यादा हैरान, क्योंकि वो उनकी शुरुआत थी। और भी ज़्यादा उन्हें हिम्मत तब मिली जब एक फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद उन्हें अच्छे ऑफर मिले, अच्छी फिल्में मिली, लेकिन कोशिश कई सालों तक करनी पड़ी बड़ी फिल्मों के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए, जिसके लिए उन्हें काफ़ी तकलीफ भी झेलनी पड़ी। ये भी सच है कि अपनी फिल्मों को लेकर कहना था ऐश्वर्या राय बच्चन का, आपकी फिल्मों के बाद बात मीडिया में आने की जाए तो मीडिया के लिए आज क्रिटिसिज्म को लेकर, प्रेज को लेकर उन पर कोई असर नहीं होता। शी डिडंट कैरी प्रेज एंड क्रिटिसिज्म एज हाई लेवल फीलिंग्स, बट देर आर सम थिंग्स विच मेक्स हर डिफरेंट। ऐश्वर्या राय बच्चन आज भी पहले की तरह ही बहुत शाई है। उनके बारे में कोई अच्छी चीज़ें लिखे मीडिया में तो उन्हें पसंद है, लेकिन कोई अगर क्रिटिसाइज करने की जगह थोड़ी सी ज़्यादा हाई बीट ऑफ वर्स ऐड करे तो ऐश्वर्या के दिल को चोट लगती है, खुद ऐश्वर्या ने कहा था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।